वंदे मातरम। सांदे बने विद्या निकेतन पोरबंदर तथा कला निकेतन राजकोट की ओर से हार्दिक अभिवादन। सहस्त्राब्दी के महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 131वीं जन्म जयंती पर हमारी अभिवंदना महाप्रयाण। महाप्रयाण 20वीं सदी को आजादी की सदी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि दुनिया भर के कई गुलाम देश एक के बाद एक आजाद हुए। हर देश की एक सी दास्तान थी, हर देश का एक ही दर्द था। कहानी बन के जिए हैं हम उस जमाने में, लगेगी आपको सदियां हमें बुलाने में। हादसे गुजरे हैं अपने चमन पर कुछ ऐसे कि घर के फूल भी डरते हैं मुस्कुराने में। लेकिन आखिर मुस्कुराहट की पहली सुर की फूट पड़ी, सदी की उस घड़ी को पहचान मिली 15 अगस्त 1947, जहां से शुरू हुआ एक नया प्रयाण, महाप्रयाण। हां, तब हम गाते थे बंकिमी वंदे मातरम, और आज की पीढ़ी गाती है रहमानी वंदे मातरम। राष्ट्रीय का भाव तो एक ही है, यानी स्वराज्य के बाद सुराज्य का महाप्रयाण। महाप्रयाण के इस पथ पर पिछले अनेकों वर्षों की कई कहानियां बीची है, लेकिन हम तो ला रहे हैं एक ही प्रकरण, जहां धैर्य और उदारता का लौह स्तंभ भी वंदना करता है सत्य और अहिंसा की नाजुक टहनी को, और आजादी के बाद आबादी के लिए करता है महाप्रयाण। महाप्रयाण, 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 महाप्रयाण। का सदमा लगा है बापू, इसी की पीड़ा दोनों राष्ट्र झेल रहे हैं। शरीर से दो बाजू ही कटकर अलग हो गए हैं, पीड़ा तो होगी ही, शरीर को भी बाजुओं को। पर बापू, अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। जब सरदार और पंडित जी की आंखों में यह पढ़ूंगा तब तसल्ली होगी, तब तलक तो आज भी नहीं भूलता। 9 सितंबर का वो दिन जब नोआखली कलकत्ते से लौटकर यहां दिल्ली के शाहदरा स्टेशन पर उतरा तो सरदार के होठों पर चिर परिचित मुस्कान नहीं थी, उनका जाना पहचाना मुस्कुरापन गायब था। आज भी नहीं लौटी वो मुस्कान, वो मुस्कुरापन, जिंदा दिल और खुश मिजाज दिल्ली अचानक खुश दिल हर वक्त मिजाज नजर आई। पर मुझे भी बाल्मीक बाड़ी के बजाय यहां बिरला भवन का मेहमान होना पड़ा। बाबू, अभी भी कुछ शरणार्थी वहां आकर बसे हैं जिनके लिए सरकार
अपने ही वतन में लोग बेवतन हो जाए और शरणार्थी कहलाए। किसी भी राष्ट्र के लिए क्या ये शर्म की बात नहीं? हिंदुस्तान हो चाहे चाहे पाकिस्तान। पर बापू, वहां भी तो यही मारकाट मची है। किसी का तो दुख है, दुख है तो बस इसी बात का। जिस तरह से मैं यहाँ दिल्ली में कुछ करने या मरने के लिए आया, मैं तो वहां जाने के लिए भी तैयार हूँ अगर वे बुलाएं। Mm-hmm.
वैष्णव जने तो ने कहिए भीड़ पर आई। हाँ उमा शंकर जी, 30 जनवरी हो गई, आपने इस कैलेंडर की तारीख नहीं बदली। प्यारे लाल जी, कल रात SBI को खबर भेजने में बहुत देरी हो गया, वरना तो मैं रात को ही बदल देती। बदल देता? जी हाँ बदल देता। हाँ तो कैलेंडर की तारीख न बदलने से आज 30 जनवरी के दिन आने से थोड़ी ही रुक सकती। दिन रुक सकता? हाँ हाँ वही, पर ये सुबह सवेरे आप ई का आ और आ का ई करने में क्यों लगी है? तो इसलिए कि 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हिंदुस्तान तो पैदा हो गया, लेकिन आज तक आजाद हिंदुस्तानी जुबान पैदा नहीं हो सकी है। हाँ जी, आज सुबह की प्रार्थना में बापू कुछ नाराज दिखी। बापू नाराज दिखे? हाँ नाराज दिखे। क्यों बोला? प्रार्थना में आते आते किसी को 5 मिनट की देरी होगी, इसीलिए। वो तो है, और इसीलिए प्रार्थना भी 5 मिनट देरी शुरू हुआ। 5 मिनट नहीं, पूरे 100 मिनट। 100 मिनट? समझाता हूँ। प्रार्थना में बापू समेत कुल मिलाकर 20 लोग बैठे थे ना, तो सबके 5 मिनट मिलाकर पूरे 100 मिनट हुए के नहीं? हाँ ये बात ठीक है, इसीलिए बापू नाराज। बस 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 बस, आप क्रियापद मत बोलिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, अच्छा लगता है। छोड़ दिया बस। देखिए बापू कभी भी किसी से नाराज नहीं होते। क्यों? क्या क्यों? आप बापू के साथ कितने सालों से हैं? पुणे के आगा खान मोहल में बापू नजर कैद थे, तब से यानी 1942 से। तो आगा खान महल से लेकर इस बिरला भवन तक आप बापू के साथ पहुंचे, लेकिन उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाए। मैं कुछ समझी नहीं। क्रियापद? क्रियापद नहीं। देखिए क्या हुआ, एक बार गोधरा में गुजरात राज्य के परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बापू तो बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच गए, लेकिन तिलक महाराज कुछ देरी से पहुंचे। बापू ने पहले तो उनका भावपूर्वक स्वागत किया और फिर कहा कि देखिए लोकमान्य आधा घंटा देरी से आए हैं, अतः आजादी भी आधा घंटा देरी से मिले तो इसका जिम्मा मेरा नहीं लोकमान्य का होगा। मैं समझ गई। क्या? हम लोकमान्य तो क्या, घर की मान्य भी नहीं। तो आप कल देरी से पहुंचे। तोबा तोबा, जिंदगी में कभी भी देरी से नहीं पहुंचूंगी। फिर पहुंचूंगी। लाल जी, डॉक्टर सुशीला नायर आपकी दीदी यानी बड़ी बहन है, वो तो आपने हमको कभी बताया ही नहीं। ये लो, ये भी कोई बताने की बात है, सबको मालूम है ही। लेकिन हमको मालूम नहीं थी, आज सवेरे ही हुई। कैसे? वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ऐसी बातें हम गुप्त रखती है। अच्छा अच्छा मत बताइए, लेकिन ये तो बताइए आप कितने भाई बहन हैं? हम एक है? भाई कहो बहन कहो जो भी कहो, हम एक ही है। तो लगता ही है। आपको कैसे पता चला? अभी आपने बताया ना। नहीं के उपरांत भी कोई बात है जो आप छुपा रही है? इसके उपरांत बात यह है कि ऐसी बातें सज्जन पुरुष गुप्त रखते हैं। रखिए, गुप्त रखिए, हम भी हमारा नाम उमा शंकर क्यों है वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई सज्जन बड़े प्यार से पूछे तो बता दीदी है। प्यारे लाल जी, प्यारे लाल जी। हाँ पूछिए ना। क्या? हमारा नाम उमा शंकर क्यों है? मुझे नहीं जानना है। लेकिन मुझे बताना है ना। अच्छा बताइए। लेकिन आप पूछिए तब ना। अच्छा बाबा उमा शंकर जी, आपका नाम उमा शंकर क्यों है बताइए। आप बहुत पूछ कर रहे हैं तो फिर बता ही देती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। क्या है प्यारे लाल जी कि जैसे महापुरुषों की ख्याति उनके आने से पहले ही पहुंच जाती है, ठीक वैसे ही इस धरती पर मेरे आने से पहले मेरी नाम आ गई थी। कैसे? बता क्यों जरा साफ तो ले लूं, अब तो बड़े ही अधीर है। बताइए भी। तो क्या है प्यारे लाल जी कि मेरे जन्म से पहले मेरा माँ चाहता था कि अगर घर में बेटा पैदा हुआ तो
नाम रखेंगे शंकर। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे ना कि अगर बेटी पैदा हुई तो नाम रखेंगे उमा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आई की गड़बड़ तभी से चली आ रही है। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब के माता पिता दोनों की इच्छाओं को सम्मान देने के लिए आपका जन्म हो गया। हाँ। और नाम रख दिया उमा शंकर। आपको कैसे पता चला? ये अभी तो आपने बताया। नहीं, इसके उपरांत भी कोई बात है जो आप छुपा रहे हैं। इसके उपरांत तो हाँ, ऐसी बातें सज्जन पुरुष गुप्त रखते हैं। तो प्यारे चाचा, बापू ने पूछा है उन दोनों पत्रों का क्या हुआ? कौन से पत्र मनु? वही जो कल बापू ने लिखा है। कल बापू ने? अरे वो तो तुझे दिए थे ना। मुझे? हाँ? नहीं, हाँ शायद आभा को दिए। अरे एक ही तो बात है। बात एक ही कैसे हो गई? आभा आभा है और मनु मनु है। हाँ हाँ, सो तो है। सो तो है कहने से थोड़े ही चलेगा, जल्दी ढूंढिए। किसे? आभा को? आभा को नहीं, उन पत्रों को। बापू आ रहे हैं। बापू आ रहे हैं। प्यारे लाल जी, मैं जा रही हूँ। एक मिनट सुनिए तो। अभी नहीं, बाद में ठहरूंगी। अरे अरे अरे, ये घबरा कर क्यों भागे? बापू आ रहे हैं इसलिए। मनु दीदी, आज तुमने बापू के चेहरे को देखा? क्यों है भी नहीं भी पता नहीं, लेकिन आज जैसे उनकी आंखें अतीत को टटोल रही हैं और चेहरा। सच कहो आबा, मैं तो बापू के चेहरे के भाव को पढ़ता हूँ केवल तस्वीरों के जरिए या फिर उनकी आवाज सुनकर। हमने तो बापू को थोड़ा सेवा के जरिए समझा है, थोड़ा समझा दादा की समझ। दादा बापू के परम शिष्य भी हैं, अभिन्न दोस्त भी। पर दादा आजकल अपने दोस्त से कुछ नाराज हैं। क्यों? पता नहीं, पर लगता है कि महात्मा और मंत्री के बीच कुछ मतभेद है। क्या इसलिए आजकल मिलने नहीं आते? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरदार दादा तो काठियावाड़ और सौराष्ट्र की रियासतों का मसला हल करने के लिए यात्रा पर गए हुए हैं। आज दिल्ली वापस लौट कर शाम 4 बजे तो बापू से मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि दादा ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। मगर इन हालातों में देश को दादा जैसा दूसरा लोह पुरुष कहाँ से मिलेगा? लो, ये मिल गए। क्या? वे दोनों पत्र जो बापू ने लिखवाए थे। अच्छा, जी बापू। पहला पत्र है शंकरन जी को। क्या लिखा? प्रिय शंकरन जी, पुत्री सुलोचना की मृत्यु का समाचार पड़ा, पिता के रूप में दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन मृत्यु ही तो हमारा सच्चा मित्र है। यदि यह जान ले तो फिर कोई दुख नहीं। दुख हमें अज्ञान से होता है। सुलोचना की आत्मा तो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। शरीर तो मरेगा ही जीव मात्र का। आश्वस्त रहो, पूरे परिवार को रखो, बापू। और दूसरा पत्र? जी ये दूसरा किशोरलाल मशरू वाला के नाम है। पढ़ो उसे भी। जी बापू, सेवाग्राम आने की मेरी योजना अनिश्चित है। शायद 2 फरवरी को निकलूंगा तो राजेंद्र बाबू मेरे साथ रहेंगे। यहाँ दिल्ली में मेरा काम पूरा हो जाता है तो ही निकल पाऊंगा। करने या मरने की मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने तक यहाँ रुकना आवश्यक है। शायद कल इसका फैसला।
कल नहीं बेटे, कल नहीं, अब तो दिन बदल गया, अब तो आज, आज शायद। जी बाबू, आज, आज इसका फैसला हो जाएगा बापू के आशीर्वाद। ठीक है, आज ही रवाना कर दो ये दोनों पत्र। बहुत अच्छा बापू। बापू, बोलो बेटे। आज शाम 4 बजे सरदार दादा आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। नहीं बेटे, अस्वस्थ नहीं हूं, लेकिन लगता है कि मेरे प्रयोग में कोई कसर रह गई है। बहुत निकट की दोस्ती मुझे कभी भी प्रतिफल नहीं दे पाई, और ये कोई आज की बात नहीं बेटे, बचपन से मेरे साथ यही होता आ रहा है। मेरे सामने चोरी की, असत्य की दीवार, और सच तो यह है कि वो संगीत युक्त मित्रता की दीवार टूट पड़ी है। लेकिन इस घटना से फायदा भी हुआ, मुझे बचपन में ही पहली बार सत्य के दर्शन हो गए, और पिता के धैर्य ने आश्वस्त करके बचपन ही में मुझे पहली बार अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तब से बापू, ये पत्र, हाँ हाँ, आज ही भेज दो ये दोनों पत्र। जी बापू। और देखो जी, कल देर रात कांग्रेस की काया पलट के लिए मैंने नया एक मसौदा तैयार करके भीतर रखा है, उसे जरा ठीक करके आज ही रवाना कर दो। बहुत अच्छा बापू। और सुनो। जी बापू। पंडित जी की क्या खबर है? समदृष्टि ने कृष्ण त्यागी, समदृष्टि ने कृष्ण त्यागी, परस्त्रीजे ने बात ले, वीरवाचन की आचार्य न बोले, पर कितने दिनों तक उपवास भी कर लेते हैं। हाँ,
सिलोन के डॉक्टर वी सिल्वा भी यही बता रही थी, जो भीतर अपनी बेटी के साथ बापू से मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, वे भी उपवास की इसी शक्ति के बारे में बापू से जानकारी पाने आए थे। लो, फेलो किया गया। तो डॉक्टर सिल्वा, मनुष्य के लिए उपवास अशक्ति नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है। आपने मेरे लिए बहुत सी काम की बातें बताई बापू। अच्छा, तो आप भी मुझे बापू कहने लगे? आपने अपने देश को ही नहीं पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दिया है, इसलिए हम सब के बापू हैं आप। धन्यवाद, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, इस बूढ़े का ऑटोग्राफ लेकर क्या करोगी तुम? मेरे लिए जीवन भर की याद बन जाएंगे। लेकिन बेटी, मैं किसी को भी मुफ्त में तो ऑटोग्राफ देता नहीं, 5 रुपये देने होंगे तुम्हें शरणार्थी राहत फंड के लिए। पापा, पापा की जेब से नहीं, अपनी खुद की बचत से। लेकिन इस वक्त मेरे पास अपनी कोई बचत नहीं, फिर कभी जरूर। तो ऑटोग्राफ भी फिर कभी जरूर दे दूंगा अगर मैं जिंदा रहा, क्योंकि उधार तो मैं रखता नहीं बेटी, बनिया जो ले रहा। चलेगी? इसकी कीमत तो 5 रुपये से कहीं ज्यादा लगती है बेटी, ये चलेगी। लेकिन बापू, एक शर्त का। बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? इस कैब की कीमत 5 रुपये से कहीं ज्यादा है, इसलिए आप कुछ गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त में ही ऑटोग्राफ देंगे। अच्छा, तो तुम मेरी भी माँ निकली। ठीक है, तुम्हारी इस उन्हीं कैब से किसी गरीब शरणार्थी को राहत पहुँचती है ना, तो अब से मैं विद्यार्थियों को मुफ्त में ही ऑटोग्राफ दूंगा। जाओ। प्रिय पेट्रिया, सत्य जी प्यार के साथ बापू, 23 जनवरी 1948। लो बेटी, इसे संभाल कर अपने पास रखना, हो सकता है ये मेरे आखिरी दस्तखत हो। फिलहाल आप ही सही। गुड नाइट बापू। डू यू बिलीव इन गॉड? आई बिलीव इन ट्रुथ, दैट इज गॉड फॉर मी। बापू का यह संदेश, सत्य ही ईश्वर है। पापा, बापू ने ही लिखा है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है, इसका मूल्यांकन आप किस दृष्टि से करते हैं बापू? डॉक्टर, सत्य का मूल्यांकन सबब नहीं, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। हाँ, पहले मैं कहता कि ईश्वर सत्य है, लेकिन फिर अनुभव से जाना कि सत्य ही ईश्वर है। नहीं बे, पाया नहीं, पाने का यत्न जारी। मैं इसके अनुभव की जरूरत करता हूँ। करीब 20 साल पहले मैं मैसूर राज्य के दौरे पर गया था, तो वहाँ के रिहातियों से उनके राजा के बारे में पूछने पर जवाब मिला था कि हमें ये तो नहीं मालूम कि हमारा राजा कौन है, लेकिन राज्य अच्छा है तो वो भी अच्छा ही होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही है, लेकिन मैंने तो अपने राजा को नाम दे रखे हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम। अपने राजा अर्थात ईश्वर की पहली अनुभूति आपको कब? मेरा बचपन राजकोट में गुजरा था। उस जमाने में बच्चों को नाटक वगैरह देखना मना था, लेकिन पिताजी को उससे मुझे एक नाटक देखने की छूट मिली हुई थी। वो कौन सा नाटक? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वो नाटक पिताजी की छूट का लाभ लेकर हमने बार बार देखा, तो परिणाम यह हुआ कि राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादी बार मन पर छा गई, और स्वयं मैंने भी हर तकलीफों का सामना करते हुए सत्य की दृढ़ता चलने की ठानी। उसी समय में हमारे शहर में हाथों से खाकर चलने वाला एक बायसों वाला आ गया। वो हम सब बच्चे दो दो भाई लेकर उसे देखने के लिए पहुंचे। बाहर उतर चल गा गा कर हमें दिख रहा था माता पिता के परम भक्त और सेवक शरण कुमार की कथा, जिसका बड़ा प्रभाव मुझ पर पड़ा। आपके साथ ऐसा हुआ होगा, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है कि तब के देखे सुने जिए संस्कार गहरे तक पहुंच जाते हैं और फिर बड़पन की आह बन जाते हैं। हाँ हाँ पूछो जी, जरूर पूछो। अभ्यास ध्यान करी करूँ सर, 10 साल पहले यानी करते थे तो
क्योंकि लीग ऑफ नेशंस निर्माण और कार्य हेतु पुरस्कार वर्ष इंग्लैंड के सर्वोच्च रेलवे सचिव को दिया गया। क्यों? हो सकता है सत्य के मेरे प्रयोग अभी अधूरे हों, अहिंसा के अभ्यास को जारी रह गई हो, या आजादी के नाम पर निष्ठा पूर्वक चलने के लिए अभी भी मुझे कुछ कर दिखा बाकी हो। बापू, अहिंसा परमो धर्म, आपके इस आदेश के पीछे आपकी विभावना क्या है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि अहिंसा का पथ प्रदर्शक मैं नहीं हूँ। ये तो हजार वर्ष पहले भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब और यीशु क्राइस्ट ने इसे खोज की थी, जिसको हम बार बार भूलते आ रहे हैं। मैंने उस पर सोच विचार करके चल पाया है। बस अहिंसा की मेरी विभावना है प्रेम। अहिंसा का दूसरा नाम यह है प्रेम। प्रेम अवरों से, प्रेम और से भी। और सच तो यह है कि जहाँ प्रेम है वहाँ कोई और रहता ही नहीं, अपनापन ही रहता है। लेकिन इस प्रेम अर्थात अहिंसा में सभी अधिक हिम्मत की जरूरत पड़ी है। और उसी हिम्मत को जिया सुकरात और मीरा, उसी प्रेम को जिला ईसा और नरसिंह ने। लेकिन बाबू, अमेरिका ने जिस ढंग से अनुभव का प्रयोग कर दिखाया है, उसे देखते हुए आपके अहिंसा के विचार कहाँ ठहरते हैं? डॉक्टर, अणु बम की अत्यंत कहानी से हमें बोध तो यही सीखना है कि जिस तरह से हिंसा से हिंसा नहीं मिट सकती, ठीक उसी तरह से एक अणु से दूसरे अणु को खत्म नहीं किया जा सकता। और इसलिए अहिंसा की आवश्यकता आज से भी ज्यादा आने वाले वर्षों में रहेगी। और याद रखने की बात कि अगर जवान ने अहिंसा पथ पर चल दिया तो इस सदी के अंत से पहले अमेरिका का सबसे निकट का साथी वही होगा। अच्छा बाबू, समाज को और आने वाली पीढ़ी को गांधीवाद के रूप में आप क्या देना चाहते हैं? बड़े ही ताज्जुब की बात है, कहां से आ गया ये शब्द गांधीवाद? देखिए डॉक्टर, गांधीवाद नाम की कोई चीज न थी न है, ना ही मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय छोड़ जाना चाहता हूं। मेरा यह दावा नहीं है कि मैंने किसी नए सिद्धांत का आधार किया है। जो भी शास्त्र सत्य है उसे ही अपने नित्य जीवन और प्रश्नों पर अपने ढंग से घटाने का प्रयास किया है मैंने। और कोई संहिता, स्मृति या वाद छोड़ जाने का सवाल ही नहीं। उन महान ऋषि मुनियों और मेरे बीच कोई तुलना हो ही नहीं सकी। जो मत कायम किए हैं और जिन निर्णयों पर मैं पहुंचा हूं वो भी अंतिम नहीं। हो सकता है मैं कल ही इसे बदल दूं। मुझे इस दुनिया को कोई नई बात नहीं चाहिए है। सत्य और अहिंसा तो अनादि काल से है। मैं तो विशाल से विशाल पैमाने पर इन दोनों से अपने जीवन में प्रयोग किए हैं। बस हाँ, कभी कभी गलतियां भी की हैं, उन गलतियों से सीखा भी है और चाहता भी यही हूं कि अंतिम सांस तक सीख रहूं। बाकी गांधीवाद नाम की कोई चीज न है न तो होनी चाहिए। आप इसे गांधीवाद नहीं बल्कि आशावाद कह सकते हैं। और फिर भी यदि आपको दो शब्द याद रखने हैं तो गांधीवाद नहीं, कृपया याद रखिए बंकिम बाबू के भाई हुए दो शब्द, वंदे मातरम। Oh,
पीछे के दाहिने गमले में नए पौध डलवाने थे, रघु को कहकर डलवा दिया। वो तो आप सवेरे ही हो गया, बाबू ने कहा था तो आप बेन कैसे टालता। और रघु का बेटा हाथी पर बताई थी बोले मनोबल ने दबा दिया डॉक्टर भार्गव से, बाबू ने कही है तो करनी ही है। ये मनोबल नहीं देखी गई है क्या? हाँ कोई काम से बाहर गया है। गई है? हाँ गई है और अब आती ही होंगी। आता ही होगा। अरे नहीं 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 उमा शंकर जी, आप तो बिल्कुल सच 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 ग्रामर बोले, बधाई हो, सच ग्रामर बोले। धन्यवाद प्यारे लालजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कहती हो तो सच ही होंगी। भूल हो गई उमा शंकर जी, मेरी भूल हो गई। कोई बात नहीं, अभी तुम भी मुझे और मनुष्य भूल होता है, बापू ने कही है। इस वक्त आराम करने की बजाय कांपने क्यों बैठे हो? आराम कम और काम ज्यादा, बाकी नहीं कांपने में फायदा। मेरी बापू ने कहा है। तो तुमको कैसे पता चला? बापू ने कहा है, बापू ने कहा है का जो अपराध शुरू हो गया तो आगे चलकर क्या होगा? ये बापू ने नहीं कहा तो मैं क्या करूँ? बापू ने कहा वही क्रिया होगी, अभी रचना को भूल भी रहोगे। रचना को भूल? हाँ, वो क्या होता है यार लाल जी? अभी ने संभव को एक रचनात्मक भूल क्या होती है? देखो रचनात्मक भूल का मतलब है कि बस रचनात्मक तो रचनात्मक ही तुम्हारी बात हो रही थी रचनात्मक भूल की। यूँ तो बच्चों मैं रसोई अच्छी बना लेता हूँ, बापू ने भी कई बार मेरे हाथों की, पर उन्हें मेरी बनाई हुई दाल अच्छी नहीं लगती थी। तो जब महादेव भाई आ गए, बापू बोले कि देख ना अब महादेव कैसी रचनात्मक दाल बनाता है। हम सब खाने को बैठे तो दाल चक्कर मैंने कहा, भाई महादेव तूने दाल बड़ी ही रचनात्मक बनाई है, तुझसे रचनात्मक भूल भी हो गई है। तो आश्चर्य से बोले कि रचनात्मक वह क्या? मैंने कहा देख भाई तूने दाल बनाई वह रचनात्मक होगा, पर तुझसे दाल जल गई है वह रचनात्मक भूल हुई कि नहीं? की बात पर हंस लो, बापू भी इस रचनात्मक पर बच्चों की तरह थे। क्या बात है साहब, बापू भी हंसते थे क्या? मेरी कभी हंसे हैं? अरे भाई हंसता ना होता तो कब का चुका होता। तो है ना बापू, कैसे भाई कितने दिनों के बाद में आपकी सेहत सी है बाप? ये तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, नींबू और संतरे का रस पीता हूँ, उबली हुई तरकारी खाता हूँ, और मुझे क्या करें, लेकिन इनका तो मुझे कम दर्द की लगी रहती है पंडित जी। और तुम्हारी पिछले दो महीनों की दौड़ धूप और चिंता में तुम बनो तो ऐसे दस दस साल बूढ़े हो गए हो। मेरे अधिकतर दांत साबुत है, आपकी तरह दो दंता नहीं बना मैं। दो दंता? दो दंता क्या बात है? अरे बताओ भाई साहब, इन बच्चों को वो दो दंता की कहानी बताओ। बापू के लिए दातुन को कुचल कर तैयार रखना। एक दिन मैंने तंग आकर कहा, भाई बापू आपके मुंह में सिर्फ दंत टूटी है, अब इसके लिए दातुन के साथ साथ आप पूछे मत हो। तो बापू बोले कि बोले को तो सब बजे। क्या बोले? बत्तीस के लिए तो सब करे, दो के लिए करे, उसे ही दातुन पर कहना चाहिए। बाकी तरह दातुन पर कहलाने का अधिकार तो मुझे नहीं, क्योंकि बत्तीस में भाई बारह तक तो अभी मिले तो है। देखा ना कैसे शरारती है हमारे सदा, लेकिन मेरे लिए तो ये माँ के बराबर है। गरौड़ा में इन्होंने मुझे एक बजे का रिश्ता था, मैंने आज का गजब का रिश्ता, अब मेरे बापू मैं आदि बाप। लेकिन अब तो तुम मंत्री बन गए हो। हाँ सो तो है, लेकिन याद है तुमने कहा था कि जब स्वराज आएगा तो मैं तो संभालूंगा चीनी और तुम्हें कहा था, लेकिन तुम तो चार चार है बुला लेकर रहे हो। क्या हुआ बाबू? अंत सबका वही क्या कर छोड़ूंगा। यह प्रभात मोहम्मद ब्रह्मान। हाँ सरदार, ये तुम्हारी संस्कृत का अभ्यास का क्या हुआ? हाँ वो तो थोड़ा बहुत महादेव से सीखा, अब तो महादेव भी नहीं और मेरे से भी नहीं, फिर भी आपको संबोधन के लिए गवा के याद रखे हैं। अच्छा आप हैं कि मोबाइल नहीं देते? क्या कहना चाहते हैं मुझसे? इदम न शोभनमस्ति। कृता तो हम सरदार, कृता तो हम। आज तो बड़े हल्के फुल्के मिजाज में आए हो, कहीं ये तूफान पहले की हंसी तो नहीं? Thank you.
छोड़ते हुए मैंने कहा था तो बेटो भी आपने कहा से होशियारी की पोटली उठा कर लाया है वो पता है।
बजाय ब्रिज का या खेल खेलो तो कम से कम दिमाग का तो विकास होगा। तो समय हम सब घूम फूल में एक बार हो जाते हैं पर आप कार्यवाही अजगर अभी छोटी रोटी में बड़े ही प्रभावित है। फिर दूसरी बार साबरमती आश्रम में आपको देना पर आश्रमवासियों से गेहूं में से कंकर निकलवाने वाला यह बनिया स्वराज कैसे रहेगा? यह बात अपने पल्ले नहीं पड़े और आज स्वराज मिल गया है तभी यह पल्ले नहीं पड़ा कि चमत्कार कैसे हुआ? यह क्रांति क्या और कैसा हो गया? सोचो तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। सदा बापू मैं कैम्ब्रिज या ऑक्सफर्ड में पॉलिटिक्स पढ़ने थोड़े ही गया हूँ कि ऐसे सोच कर सफाई हो। पर फिर जब से आपकी शरण ली है ना बापू दिमाग को ताला लगा कर चाबी आपको सौंप दी है। बस रिवॉल्यूशन अर्थात क्रांति को इस देश की 35 करोड़ आबादी ने अपने अपने ढंग से एक साथ किया और दिया। रिवॉल्यूशन की दो धाराएं हैं और तुमको जैसे कि रिवॉल्यूशन मींस रेजिंग द गन यानी कि नकारात्मक क्रांति जो तुमने बोरसद और बाडोल में दिखाई और अपने प्रदेश के साथ आरंभ रिवॉल्यूशन थ्रू रेजिंग फ्रॉम द ग्राउंड यानी कि सृजनात्मक क्रांति देशी रजवाड़ों को एकता की कड़ी में जोड़कर अखंड राष्ट्र बनाने का तुमने पीड़ा उठाया और इस तरह से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के सरदार बन गए। सुनिए यह कलकत्ता अधिवेशन बारडोली सत्याग्रह के लिए माननीय वल्लभ भाई पटेल का अभिवादन जरूर करे पर सदर जसेल का की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है हम भी सहमत हैं इस पद से क्योंकि ऐसे मान आकाम और खिताब सांच शाही प्रथा की सूचक है। ठीक है। देखो सरदार बनने का मुझे कोई शौक है ना ही जरूरत। मैं तो गांधी जी के शिष्य के रूप में जो कुछ भी सीखा तुम के ऊपर आजमाने आया। हाँ मेरा तरीका गांधी जी से अलग है पर रहे। तो अब मैं सीधे काम की बात पर आ जाऊं। तुम सबको सबसे पहले तो इस बात का डर है कि तुम्हारी जमीन जब्त हो जाएगी है? लेकिन भाई मेरे एक बात बराबर समझ लो कि अंग्रेज सरकार इस जमीन को विलायत ले जाने वाली नहीं है। जमीन यहीं पर रहेगी जहां पर है। वो मुंबई प्रांत के महसूल मंत्री स्मित भाई ने हमको कहा है कि तुम बारडोली के नहीं हो बाहर के आदमी हो चले जाओ। अब हम इस देश के नागरिक बाहर के हो गए। वो बंदर की औलाद अन्न की हो गई बारडोली उसके बाप की हो है। उसने यहाँ के कुछ लोगों को भड़काया भी है क्योंकि अंग्रेज सरकार को पैसे से ज्यादा वफादारी चाहिए लेकिन अब तक तो उनको एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला और मिलना भी नहीं चाहिए। आदमी तो क्या एक भैंस भी नहीं मिली। सुनिए वालोड के पुलिस थाने में बंद ये भैंसे भी उन बंदरों को भाषण दे देकर तंग कर रही है। वहां मोतीलाल जी मजाक में कह रहे थे कि अंग्रेज सरकार मेरी धरपकड़ न करे इसके लिए मेरा बीमा उतारा जाए। पर मेरी धरपकड़ क्यों करेंगे भला वो है? क्योंकि अगर भैंस को पकड़कर ले जाए हर राज्य में बेच दे तो कुछ पैसे भी मिले मुझे कौन खरीदेगा? उल्टा मुझे खिला पिला कर भैंसा जैसा बनाना पड़ेगा तो मेरा तो खर्चा भी अंग्रेज सरकार को माथे पड़ेगा ना है? देखो भाई मैं तो किसान का बेटा हूँ किसान की बोली में ही बात करता हूँ। किसी को इसमें साहित्य का अभाव लगे तो लगे लेकिन तुम सबके बारे में एक बात सीधे कह दूं कि तुम सब बहुत ही सीधे आदमी। अभी कुछ दिन पहले देर रात को मैं यहाँ से बीच बाजा गुजरा किसी ने मुझे रोका नहीं टोका नहीं कुछ पूछा भी नहीं। ये रविशंकर महाराज भी मेरे साथ थे इन्होंने बताया कि यहाँ के आदमी तो क्या कुत्ते भी अनजान आदमी को देखकर नहीं भौंकते तभी तो उनके जात बिरादरम पर राज करते हैं ना है? देखो भाई तुम लोग किसान हो खेडूत हो एक एकड़ जमीन के ऊपर अपने गाय बड़द भैंस को निभाते हो तड़के में घूमकर काली मजूरी करते हो जेरी सांप बिच्छू के डर के बिना घुटन पर पानी में जाकर धरू रोकते हो। अब ऐसा मेहनती प्रामाणिक भगवान से डरने वाला और अपने परसेवे की कमाई खाने वाला आदमी कहां मिलेगा? बस इसीलिए मैं तुम सबके साथ हूं और तुम सबको भी सत्याग्रह में अडग रहने की प्रतिज्ञा दिलाई है। मगर मेरी एक बात बराबर याद रखना कि जिस दिन खेड़ प्रतिज्ञा तोड़ेगा ना उस दिन मेरा तो जो होगा सो होगा
लेकिन तुम सबकी गाय भैंसे दूध देना छोड़ देगी, आकाश से पानी बरसनी बंद हो जाएगी, धरती से मोला तुकनी रुक जाएगी। याद रखना मेरी ये बात, अगर तुम सब मुझे सरदार कहते हो तो। नहीं भाई नहीं, जय भारत मा की बोलो, गुजरात मा की जय बोलो। पंडित जी सुन रहे हैं ना आप जय जयकार भारत मा की? ले नहीं, जनता के चित्कार के शोरगुल में डूब जाती है यह हर्ष ध्वनि। खैर, कश्मीर का पूरा हवाला आपने आयंगर को सौंप दिया है, जानकर भी मैं सहमत नहीं हूं। मेरी असहमति से आप असुविधा महसूस कर रहे हैं, जानता हूं। आप अपनी जिम्मेवारी का पूरा निर्वाह करना चाहते हैं, यह भी जानता हूं। तो आप कृपया मेरा जवाब भी पढ़ लीजिए। आज 23 दिसंबर 1947 की सुबह में लिखा आपका पत्र मुझे अभी दोपहर 1 बजे मिला है और इस वक्त मैं जवाब लिखने बैठ गया हूं। आपके पत्र से मुझे दुख हुआ। आपके पत्र से लगता है कि मुझे सरकार में नहीं रहना चाहिए, अतः इस पत्र के साथ अलग से मैं अपना राजीनामा भेज रहा हूं। जितना भी समय मैं ओहदे पर रहा तंगरी भरा समय था और इस दौरान आपने मेरे प्रति जो विवेक और अपनापन दिखाया है इसके लिए मैं आभारी हूं। आपका साथी पटेल। जवाब मैं अभी इसी वक्त लिख रहा हूं। श्रद्धा है रात से पहले ही आपको जवाबी पत्र मिल जाएगा। सुबह लिखे मेरे पत्र से आपको दुख हुआ, इसके लिए मुझे अफसोस है। घटनाओं के रुख के लिए और हमारे बीच जो मतभेद बनते हैं इसके लिए मैं भी गमजदा हूं। हम दोनों ही एक दूसरे का पूरा आदर सम्मान करते हैं, फिर भी हमारे विचारों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर मुझे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना है तो मैं चाहूंगा कि काम करने की मेरी आजादी पर किसी तरह की पाबंदी न लगे, वरना मैं अपने पद से अलग होना ही पसंद करूंगा। हम दोनों में से किसी को भी सरकार छोड़नी पड़े तो यह बदनसीबी होगी। फिर भी अगर होनी यही है तो हम सद्भाव और गरिमापूर्ण ढंग से लगो, यही बेहतर होगा। और इस स्थिति में मैं खुद इस्तीफा देकर आपके हाथों में सरकार की बागडोर सौंप देने में ही खुशी महसूस करूंगा। आपका जवाहर। प्रिय पंडित जी, आपका पत्र कल रात को ही मिल गया, उसी समय जवाब भेजकर आपको परेशान करना ठीक नहीं समझा, इसलिए पत्र तकिए के नीचे दबाकर आराम से सो गया। पंडित जी, देश और सरकार की राहबरी की आपकी स्वतंत्रता पर अंकुश रखने की मेरी कोई इच्छा नहीं और आज तक मैंने ऐसा कोई कदम उठाया भी नहीं। आपके राजीनामे या सरकार छोड़ देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें जो भी निर्णय लेना है सद्भावपूर्ण और गौरवयुक्त हो, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूं। इस हेतु मैं जी जान से आपको सहाय करूंगा, लेकिन मैं एक निकम्मे साथी के रूप में आपके साथ जुड़ा रहूं यह तो आप भी नहीं चाहेंगे, ऐसी मेरी पूरी आस्था है। आपका हमदर्द साथी
पटेल। आपने वो सवाल पूछ लिया है जो कल शायद इतिहास मुझसे पूछने वाला था। हो सकता है कि इतिहास मुझे कई जगह पर गलत सिद्ध करे, दिखावा करने वाला करार दे
यह सबको अपने आसपास घुमाने वाले स्वयं केंद्रित व्यक्तित्व के रूप में उभारे। लेकिन इतिहास किसी के बनाए बनता है न तो किसी के मिटाए मिटता है। अतः आपके सवाल का जवाब देना मेरा कर्तव्य है, ताकि कम से कम आप दोनों को तो तसल्ली हो जाए। पंडित जी, आप कुछ कुछ मेरे शिष्य हैं, अनुयायी भी, मानस पुत्र भी, यानी मेरी जिम्मेवारी का एक अहम हिस्सा। आप कभी मुझसे सहमत रहे, कभी नहीं भी। आप हृदय से तो हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन तर्क या बुद्धि से आप कुछ कुछ अलग भी रहे। जबकि सरदार, मनसा भाचा कर्मणा हमेशा मेरे पद चिन्हों पर चले गए, और मेरा पद तो है त्याग का, वितराग का, जिसे पूरी तरह से आत्मसात किया है सरदार ने। मैंने तो इनको कोई दीक्षा नहीं दी, लेकिन सरदार स्वयं अपने आप को मेरा शिष्य समझते हैं, एकलव्य की माने। उन्होंने मुझसे बिना दिए ही बहुत कुछ पा लिया है, अतः किसी विरासत की उनको जरूरत नहीं। एकलव्य से गुरु द्रोण ने अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा के रूप में, और उसने आस्ते आस्ते दे भी दिया था। वो पुराण आज इतिहास बनने जा रहा है। गुरु द्रोण तो तब भी रहस्य रहे, और आज भी अपने आप को समझा पाने में असमर्थ है। पंडित जी, सरदार ने मेरे कहने पर ही आपको इस्तीफा दे दिया था, अब उसे मंजूर कर ले बस। बहुत होली, आपस में तसल्ली का खेल भी अच्छा खेल लिया। अब हम सीधी बात पर आ जाएं। हाँ, तुम्हारे पास बहुत काम है और मेरे पास तो है। मुझे कहना है तो मैं कह दूं, लेकिन पहले तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। बाबू, अभी 20 जनवरी को आपके प्रार्थना स्थल पर यहाँ पर पहुंचा, अत्यारे आपका निशान चूक गए, मगर भगदड़ मच गई, कुछ औरतें बच्चे जख्मी हो गए, यही नहीं पूरे देश में भय फैल गया। वो छापा मारे तब सरकार पर टूट पड़ी, और मेरा तो खाना पीना जीना सब हराम कर दिया, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी होम मिनिस्टर होने के नाते मेरी है, आपके शिष्य के रूप में भी मेरी है, मगर आपने की जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मेरे साथ ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, हर बार मेरे राम ने मुझे तो बचा ही लिया है। बापू, राम जी को और भी तो काम हो सकते हैं ना, कुछ काम अगर हम कर ले तो क्या हरज है। लेकिन सरदार, आप मेरी बात गंभीरता से समझते क्यों नहीं बाबू? सिर्फ एक ही आदमी पकड़ा गया है, बाकी सब भाग गए हैं, कभी भी लौट कर आ सकते हैं, कभी भी दूसरा हमला। सरदार, मेरे जीवन के लिए तुम मेरी मां की तरह चिंता करो, लेकिन सत्य की इस वेदी पर अगर मैं मर भी गया तो संभव है कि मेरी मृत्यु मेरे जीवन से भी अधिक मूल्यवान सिद्ध हो। और यूं भी अब की बार तो मैं दिल्ली कुछ करने या फिर मरने ही आया। मत कहो बापू, ये शब्द मत, ये शब्द नए नहीं, मगर आप जब कहते हैं तो शब्दों का संदर्भ सत्य में बदल जाता है। सरदार, तो हमें वो चाहिए क्या? दिल्ली से ऋण मुक्त होने का सौभाग्य होगा ये तो। मथुरा के मोहन को सौराष्ट्र की भूमि ने अपने में समा लिया, तुम भी कह सकोगे कि उसने अपने मान को तुम्हें लौटा दिया। स्वीकार करो दिल्ली। प्रार्थना का समय हो रहा है, चलेंगे? हम अभी चलते हैं, थोड़ा इंतजार करो। और बापू, सौराष्ट्र से हेबर भाई तथा रसिकला परी आपसे मिलने आए, उनसे कहो कि रुके जाए नहीं, प्रार्थना के बाद मैं उनसे मिलूंगा। ठीक है, बाबू, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्रार्थना में बाहर से आने वाले लोगों की तलाशी के लिए आप हमें परवानगी दे रहे, बस
बाकी हम संभाल लेंगे। फिर तो बाकी रहता ही क्या है सरदार, फिर तो प्रार्थना प्रार्थना न रही तमाशा बन गई। नहीं सरदार नहीं, इस देश को आजादी के साथ साथ हमें और भी दो बड़ी सौगातें देनी है, अभय और मनोस्थिरता, और इसके लिए आवश्यक है अहिंसा में आस्था। मेरी नजर में सबसे ऊपर कोई धर्म नहीं और अहिंसा से बढ़कर कोई कर्तव्य। बाहर रहकर उपदेश देना आसान है बाबू, पर पदासीन होकर जब सत्ता की जिम्मेवारी संभालते हैं ना तो सब उपदेश हवा हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हारी सरकार भयभीत है, सरकार हो चाहे प्रजा, जब भयग्रस्त रहती है तब हिंसा की भाषा में आ जाती है, जबकि अहिंसा के लिए अहिंसा अहिंसा ईसा मसीह से लेकर आज तक आप अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले स्वयं हिंसा की वेदी पर चढ़ गए, पर हिंसा अपनी जगह पर अटल है। क्यों? क्योंकि भय अपनी जगह अटल है, और भय को मिटाने के लिए चाहिए तीन चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, और ये तीनों चीजें ईसा मसीह से लेकर आज तक आम आदमी को नहीं। बापू मेरा और आपका सुर अलग हो रहा है, पहले तो नहीं था, सरकार में जाते ही बदल गया। सरकार तुम सिर्फ दो के सुर नहीं मिला सकते तो फिर 35 करोड़ के सुर कैसे मिला पाओगे? आ गया आपका आदर्श, आदर्श से सरकारें नहीं चलती बापू। यही तो भूल है तुम लोगों की, यथा राजा तथा प्रजा, पहले तुम आदर्श सिद्ध करके दिखाओ तो सही, प्रजा तुम्हारे पीछे चलेगी, जैसे आजादी की लड़ाई में चली थी ठीक उसी तरह आज भी चल सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। हाँ फर्क आया है तुम सबकी नजर में। बस बापू बस, यह चर्चा यही पूरी करे, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए कम से कम 7-8 ड्रेस में पुलिस फोर्स लगा दे, बस फिर आपकी प्रार्थना आप। जिस दिन प्रार्थी के लिए पहरेगीर रहेंगे और बुलेट प्रूफ पहनकर सेवा करनी पड़ेगी, उस दिन सेवा सेवा न रहेगी और प्रार्थना की जरूरत न पड़ेगी। बापू अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि सरदार मेरे भाई है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज, पूछा लुकमा से जिया तू कितने रोज, तो हंसते हसरत मल के बोला चंद रोज। लगता है बदले हुए सुर नहीं मिल पाएंगे, खैर मैं भी आराम कर लूं चंद रोज, आप कहिए आपको क्या कहना है। कल चरखा काटते हुए अंगूठा दुखता था, आज हाथ कोहनी तक दुखने लगा है, और कल कंधे पर भी चढ़ जाएगा। शायद शायद किसी के कंधों पर चढ़कर जाने की तैयारी भी हो। हाँ तो मैं कह रहा था बापू, प्रार्थना का समय हो गया है, चलेंगे? बस 5 मिनट बेटी, हम अभी चलते हैं। बापू आजकल आप घड़ी देखते ही नहीं। मैं क्यों देखूं? तुम और आबा दोनों ही घड़ी की सुइयां बनकर घूम रही हो, फिर मुझे क्या जरूरत? पर बापू पिछले 3 दिनों से देरी हो रही है। बस आज अंतिम बार बेटी, कल से कभी ना होगी। ठीक है, पर जल्दी चलिएगा बापू। बापू अब जल्दी से बता दीजिए, वरना आपको जो कहना है वही बात छूट न जाए। सरदार कुछ अखबार वाले तुम्हारे और पंडित जी के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप छापते रहते हैं, मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी तुम्हारे विरुद्ध असंतोष जता रहे हैं। और कर भी क्या सकते हैं, वहां भी तो हमारे सुर अलग है, कई लोग चाहते हैं कि मैं सरकार से राजीनामा देकर अलग हो जाऊं। और तुम अखबार को कहते फिरते हो कि हो ना हो वो हो ले, मैं मंत्रिमंडल से अलग होने वाला नहीं। किसान का बेटा हूं बापू, लोहे से बना हूं, प्यार से बिगल तो सकता हूं पर किसी के हाथों कटने वाला नहीं। मैं राष्ट्रीयता से भरे पूरे बोल हैं सरदार, इसलिए आज सच लगते हैं, लेकिन इसे ही मिसाल बनाकर अगर कल कोई बोलेगा ना तो बोल खोखले लगेंगे। बापू बापू सच क्या है आप तो जानते हैं, गीता तो मैंने ठीक से पढ़ी नहीं, मेरे गीता तो आप ही है, आप ही को पढ़ा है मैंने, सत्ता के लिए अनाशक्ति भाव मैंने आप ही से सीखा है, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचन दह्यते। महाराजा जनक की तरह सत्ता की मिथिला को संभाल कर बैठा हूं ताकि जल्द से जल्द किसी योग्य व्यक्ति को
वज्रादपी कठोरानी मृदुली कुसुमादपी। लगता है शायद तुम्हारे लिए ही कहा गया, तुम आखिर चाहते क्या हो सरदार? मुक्ति। पंडित जी को राजीनामा भेज दिया है तो साफ अनुमति दे तो मैं भी बाकी के साथ आराम से ले। सरदार मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये पहला और आखिरी मौका था। तुम काबिल भी रहे, बहुमत भी रखते थे और फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बने। बापू आप सिर्फ 6 साल छोटा, अब 73 साल की उम्र में ऐसा व्यामोह अच्छा भी नहीं। पंडित जी जवान हैं, योग्य हैं, कुशल भी, लेकिन तुम्हारे बिना अकेले भी हैं। मतलब वे चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में रहकर तुम कंधे से कंधा मिलाकर उनका बराबर साथ दो। वो बहुत देर हो चुकी है, इस देश की आजादी की लड़ाई में तो तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया और अब अपनी आत्मा को तो नहीं बेच सकता ना मैं। स्वराज मिला तो हजार हजार कांटों के साथ, उन्हें सुलझाने में एक तरफ आपका आदर्शवाद तो दूसरी तरफ पंडित जी का उदारमतवाद, इन दोनों वादों के बीच मेरा वास्तववाद तो पीसता रहा, अब कहां तक। परिवार के 2 बेटों में बड़े बेटे को ही अधिक सहना पड़ता है ना। बाप है कब तक, और फिर मैं भी तुम्हें अधिक परेशान नहीं करूंगा। आज शाम की प्रार्थना के बाद अपने प्रवचन में भी मैं ये बात बताने वाला हूँ। शाम को पंडित जी आएंगे तो उनसे भी मैं यही मशवरा देने वाला हूँ कि तुम्हारे साथ छोटे भाई की तरह पेश आए और फिर कल हम तीनों मिलकर। नहीं बाबू नहीं, यार कोई बात कोई मशवरा कोई चीज नहीं। नहीं 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 दे, जाओ चल देना ना, जाओ दे चल। नहीं दे जाओ, देखो देखो कल भी दिया था मैंने, परसों भी दिया था, तो क्या हुआ आज भी देना पड़ेगा, चल। नहीं दे जाओ। बच्चों तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? यह मालिक का बच्चा मुझे दाव नहीं दे रहा। नहीं 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 बेटे, पहले तो तुम इसे ठीक से नाम से पुकारना सीखो। क्या नाम है इसका? रामू। अच्छा बराबर। अच्छा बेटे तुम रामू इसे दाव क्यों नहीं देते? बाबू पिछले 6 दिनों से मैं ही इसके दाव दे रहा हूँ, लेकिन मेरे खेलने की तो बारी ही नहीं आती। अच्छा क्या खेलते हो तुम दोनों? क्रिकेट, अंग्रेजों का खेल है यह, जो क्या जाने मालिक का बेटा जो है। और तुम? यह बंगला हमारा है, यह बगीचा और यह खेल का मैदान सब हमारा है। अच्छा बेटे ये बताओ, ये जो बगीचा है वो जो खेल का मैदान है वो सब बनाया किसने? किसने और इसके बापू ने। तो फिर इसे भी दाव लेने का पूरा अधिकार है? मगर इसे तो बैट पकड़ना भी नहीं आता। लेकिन इसे मैदान बनाना तो आता है ना, तो बैट पकड़ना सीख लेगा, क्योंकि मुश्किल काम तो इसने पहले ही कर दिखाया है कि नहीं? तो फिर बेटे मैदान के मालिक बनकर सिर्फ दाव लेना ही नहीं देना भी सीखो। अच्छा बापू ये लो रामू बैट और गेंद मुझे दो। और रामू बेटे तुम बड़े हो समझदार हो, अगर छोटों को 2 दाव अधिक दिए तो क्या हुआ, अगर दिल से दोगे ना तो जीत तुम्हारी ही होगी, इधर भी और उधर भी। चलो आज पहले मैं ही दाव देता हूँ, क्योंकि मैंने तो हमेशा दाव देना ही सीखा है, लेना नहीं सीखा। चलो आ जाओ, देखो संभाल के मारना कहीं मेरा सर भी ना फूट जाए। हाँ I have always been playing underarm bowling my boy since lunch, my childhood. क्योंकि मैंने तो हमेशा दाव देना ही सीखा है बेटे। जाओ बेटे जाओ, बाहर मैदान में जाकर मिलजुल कर खेलो। हाँ जाओ। हम सब बच्चे ही रहते। बाप अब तो प्रार्थना के लिए बहुत ही देरी हो चुकी, चलिए ना बाप। चलो बेटी अब तो बस चलना ही है।
चलना ही है। बापू को प्रार्थना के लिए देर हो रही है। अहिंसा तो अनादिकाल से है। मैंने तो यथाशक्ति विशाल से विशाल पैमाने पर इन दोनों से अपने जीवन में प्रयोग किए हैं। कभी कभी गलतियां भी की हैं, उन गलतियों से सीखा भी है और चाहता हूं कि अंतिम सांस तक सीखता रहूं। अतः इसे आप गांधीवाद नहीं आशावाद कहिए। और आपको यदि दो शब्द याद रखने ही हैं तो गांधीवाद नहीं, याद रखिए बंकिम बाबू के दो शब्द, वंदे मातरम।
आबादी के लिए करता है। महाप्रयाण 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 का सदमा लगा है बापू, इसी की पीड़ा दोनों राष्ट्र झेल रहे हैं। शरीर से दो बाजू ही कटकर अलग हो गए हैं, पीड़ा तो होगी ही, शरीर को भी बाजुओं को। पर बापू अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। जब सरदार और पंडित जी की आंखों में यह पढ़ूंगा तब तसल्ली होगी, तब तक तो आज भी नहीं भूलता 9 सितंबर का वो दिन जब नोआखली कलकत्ते से लौटकर यहां दिल्ली के शाहदरा स्टेशन पर उतरा तो सरदार के होठों पर चिर परिचित मुस्कान नहीं थी, उनका जाना पहचाना मुस्कुरापन गायब था। आज भी नहीं लौटी वो मुस्कान, वो मुस्कुरापन, जिंदा दिल और खुश मिजाज दिल्ली अचानक खुश दिल हर वक्त मिजाज नजर आई। और मुझे भी बाल्मीक बाड़ी के बजाय यहाँ बिरला भवन का मेहमान होना पड़ा। बाबू अभी भी कुछ शरणार्थी वहां आकर बसे हैं जिनके लिए सरकार अपने ही वतन में लोग बेवतन हो जाए और शरणार्थी कहलाए, किसी भी राष्ट्र के लिए क्या ये शर्म की बात नहीं, हिंदुस्तान हो चाहे चाहे पाकिस्तान। पर बापू वहां भी तो यही मारकाट मची है। किसी का तो दुख है, दुख है तो बस इसी बात का, जिस तरह से मैं यहाँ दिल्ली में कुछ करने या मरने के लिए आया हूँ, मैं तो वहां जाने के लिए भी तैयार हूँ अगर वे बुलाएं। वंदे मातरम। सांदे बने विद्या निकेतन पोरबंदर तथा कला निकेतन राजकोट की ओर से हार्दिक अभिवादन। सहस्त्राब्दी के महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 131वीं जन्म जयंती पर हमारी अभिवंदना महाप्रयाण। महाप्रयाण 20वीं सदी को आजादी की सदी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि दुनिया भर के कई गुलाम देश एक के बाद एक आजाद हुए। हर देश की एक सी दास्तान थी, हर देश का एक ही दर्द था।
कहानी बन के जिए हैं हम उस जमाने में, लगेगी आपको सदियां हमें बुलाने में। हादसे गुजरे हैं अपने चमन पर कुछ ऐसे कि घर के फूल भी डरते हैं मुस्कुराने में। लेकिन आखिर मुस्कुराहट की पहली सुर की फूट पड़ी, सदी की उस घड़ी को पहचान मिली, 15 अगस्त 1947, जहां से शुरू हुआ एक नया प्रयाण, महाप्रयाण। हाँ, तब हम गाते थे बंकिमी वंदे मातरम, और आज की पीढ़ी गाती है रहमानी वंदे मातरम। राष्ट्रीयता भाव तो एक ही है, यानी स्वराज्य के बाद सुराज्य का महाप्रयाण। महाप्रयाण के इस पथ पर पिछले अनेकों वर्षों की कई कहानियां बीची है, लेकिन हम तो ला रहे हैं एक ही प्रकरण, जहां धैर्य और उदारता का लौह स्तंभ भी वंदना करता है सत्य और अहिंसा की नाजुक टहनी को। और आजादी के बाद हुआ एक बार गोधरा में गुजरात राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई थी।
बापू तो बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच गए, लेकिन तिलक महाराज कुछ देरी से पहुंचे। बापू ने पहले तो उनका भावपूर्वक स्वागत किया और फिर कहा कि देखिए लोकमान्य आधा घंटा देरी से आए हैं, अतः आजादी भी आधा घंटा देरी से मिले तो इसका जिम्मा मेरा नहीं लोकमान्य का होगा। मैं समझ गए। क्या हम लोकमान्य तो क्या घर की मान्य भी नहीं। तो आप कल देरी से पहुंचे। तोबा तोबा, जिंदगी में कभी भी देरी से नहीं पहुंचूंगी। फिर पहुंचूंगी ना जी। डॉक्टर सुशीला नायर आपकी दीदी यानी बड़ी बहन है, वो तो आपने हमको कभी बताया ही नहीं। ये लो, ये भी कोई बताने की बात है, सबको मालूम है ही। लेकिन हमको मालूम नहीं थी, आज सवेरे ही हुई। कैसे? वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ऐसी बातें हम गुप्त रखती है। अच्छा अच्छा, मत बताइए। लेकिन ये तो बताइए, आप कितने भाई बहन हैं? हम एक है? भाई कहो, बहन कहो, जो भी कहो, हम एक ही है। तो लगता ही है। आपको कैसे पता चला? अभी आपने बताया ना। नहीं, इसके उपरांत भी कोई बात है जो आप छुपा रही है। इसके उपरांत बात यह है कि ऐसी बातें सज्जन पुरुष गुप्त रखते हैं। रखिए, गुप्त रखिए। हम भी, हमारा नाम उमा शंकर क्यों है वो आपको नहीं बताएंगी। लेकिन हाँ, अगर कोई सज्जन बड़े प्यार से पूछे तो बता दीदी है। प्यारे लाल जी, प्यारे लाल जी। हाँ पूछिए ना। क्या? हमारा नाम उमा शंकर क्यों है? मुझे नहीं जानना है। लेकिन मुझे बताना है ना। अच्छा बताइए। लेकिन आप पूछिए तब ना। अच्छा बाबा उमा शंकर जी, आपका नाम उमा शंकर क्यों है बताइए। आप बहुत पूछ कर रहे हैं तो फिर बता ही देती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। वो क्या है प्यारे लाल जी कि जैसे महापुरुषों की ख्याति उनके आने से पहले ही पहुंच जाती है, ठीक वैसे इस धरती पर मेरे आने से पहले मेरी नाम आ गई थी। कैसे? बता जरा साफ तो ले लूं। अब तो बड़े ही अधीर है। बताइए भी। वो क्या है प्यारे लाल जी कि मेरे जन्म से पहले मेरा माँ चाहता था कि अगर घर में बेटा पैदा हुआ तो नाम रखेंगे शंकर। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे ना कि अगर बेटी पैदा हुई तो नाम रखेंगे उमा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आई की गड़बड़ तभी से चली आ रही है। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब के माता पिता दोनों की इच्छाओं को सम्मान देने के लिए आपका जन्म हो गया। हाँ। और नाम रख दिया उमा शंकर। आपको कैसे पता चला? ये अभी तो आपने बताया। नहीं, इसके उपरांत भी कोई बात है जो आप छुपा रहे हैं। इसके उपरांत तो हाँ, ऐसी बातें सज्जन पुरुष गुप्त रखते हैं। और प्यारे चाचा, बापू ने पूछा है। शंकर जी, 30 जनवरी हो गई, आपने इस कैलेंडर की तारीख नहीं बदली। प्यारे लाल जी, कल रात SBI को खबर भेजने में बहुत देरी हो गया, वरना तो मैं रात को ही बदल देती। बदल देता? जी हाँ, बदल देता। हाँ। तो कैलेंडर की तारीख न बदलने से आज 30 जनवरी के दिन आने से थोड़ी ही रुक सकती। दिन रुक सकता? हाँ हाँ वही। पर ये सुबह सवेरे आप ई का आ और आ का ई करने में क्यों लगी है? तो इसलिए कि 15 अगस्त 47 के दिन आजाद हिंदुस्तान तो पैदा हो गया,
लेकिन आज तक आजाद हिंदुस्तानी जुबान पैदा नहीं हो सकी है। हाँ जी, आप सुबह की प्रार्थना में बापू कुछ नाराज दिखी। बापू नाराज दिखे? हाँ नाराज दिखे। क्यों बोला? प्रार्थना में आते आते किसी को 5 मिनट की देरी होगी, इसीलिए। वो तो है, और इसीलिए प्रार्थना भी 5 मिनट देरी शुरू हुआ। 5 मिनट नहीं, पूरे 100 मिनट। 100 मिनट समझाता हूँ। प्रार्थना में बापू समेत कुल मिलाकर 20 लोग बैठे थे ना, तो सबके 5 मिनट मिलाकर पूरे 100 मिनट हुए के नहीं? ये बात ठीक है, इसीलिए बापू नाराज। बस 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 बस, आप क्रियापद मत बोलिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, अच्छा लगता है। छोड़ दिया बस। देखिए बापू कभी भी किसी से नाराज नहीं होते। क्यों? क्या क्यों? आप बापू के साथ कितने सालों से हैं? पुणे के आगा खान मोहल में बापू नजर के थे, तब से यानी 1942 से। तो आगा खान महल से लेकर इस बिरला भवन तक आप बापू के साथ पहुंचे, लेकिन उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाए। मैं कुछ समझी नहीं। क्रियापद? क्रियापद नहीं।